हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं थोड़ा टूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ रेमंड मर्फी की जिहड़ी बुक है फोर्थ एडिशन वाली। सो इस दी यूनिट नंबर है अपनी 99। इस तो पहला वाली वीडियोज़ दे विच आपां बाकी यूनिट्स कर चुके हैं। सो सेमेस्टर थर्ड के लिए 92 यूनिट तो लैके 120 तक आ जिहड़े कि सिलेबस दे विच ने। सो यही आप कवर कर रहे हैं। इन्हां दी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो तुसीं चैनल की विजिट करके जिहड़े कि बाकी यूनिट्स आ जिहड़े कि अपने देख सकदे हो। सो इस दे विच 99 दे विच आपां ऑब्जेक्टिव्स जिहड़े कि फिल करने ने। ऑब्जेक्टिव की होंदा विशेषता दसदा जदों कोई भी, ठीक है, जिवें पंजाबी दे विच विशेषण होंदा उवें ही इंग्लिश दे विच ऑब्जेक्टिव, जदों किसी चीज़ की कोई खासियत दसी जाए विशेषता दसी जाए तो आपां ऑब्जेक्टिव फिल करना। तो नाल दी नाल एडवर्ब, एडवर्ब की होंदा, एडवर्ब भी अपनी एक यूनिट दे विच है। इस तो नैक्सट यूनिट दे विच अपने एडवर्ब भी फिल करने ने। सो इस दे विच कुछ पोर्शन आउंदा एडवर्ब फिल करन दा भी। एडवर्ब की होंदा, एडवर्ब होंदा पंजाबी दे विच जिवें आपां कहिंदे हुंदे आ किरिया विशेषण, ठीक है, किरिया विशेषण इंग्लिश दे विच एडवर्ब। हुण किरिया विशेषण आपां कदों दस करदे हुंदे आ, जदों आपां इह चीज़ दसणा होवे जदों कोई किरिया हो रही है, जदों कोई एक्टिविटी हो रही है, किस ढंग दे नाल हो रही है, जिवें कोई वॉक कर रहा उह तेज़ वॉक कर रहा है जां हौली हौली वॉक कर रहा है, जां कोई वर्क कर रहा उह तेज़ वर्क कर रहा है जां स्पीड उहदी हौली आ, ठीक है, वी कोई एक्शन जिहड़ा हो रहा उह किस वे दे नाल हो रहा, की किवें किस ढंग दे नाल हो रहा, उदों आपां एडवर्ब फिल करना। तो वैसे आपां की फिल करना, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वही यूज ऑब्जेक्टिव टू से हाउ समबॉड इज समथिंग, कोई किमें लुक है, ठीक है, लुक्स है किमें दिखता, हो की फील, की फीलिंग है, फील करता है, जो की साउंडस ने, की टेस्ट है, की स्मैल्स ने, तो आप ऑब्जेक्टिव ला के गल करांगे। तो एडवर्ब आप जो दसना हो हाउ समबॉडी डज समथिंग, यू मस्ट यू यूज एन एडवर्ब। अपने एडवर्ब फिल करना जो अपने दसना हो, कोई जना कोई एक्टिविटी जो कुछ भी कर रहे हो किस वे दे नाल एक्शन कर रहे हैं, जिवें ड्राइव केयर ड्राइव कर रहे हो तो केयरफुली, ध्यान दे नाल ड्राइव कर रहे हो तो केयरफुली। हाँ जी, यूनिट दी अपने फस्ट एक्सरसाइज है, फस्ट इंपॉर्टेंट आ स्टूडेंट्स इस दे विच। सो एक थर्ड इंपॉर्टेंट आ, फोर्थ ते सैकेंड आपां कह सकदे 50-50 ने, बाकी दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ने। पुट द ऑब्जेक्टिव, हर एक यूनिट के मैं दस्या होता हूँ भी कि मेन ये यूनिट के एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। पुट द ऑब्जेक्टिवज इन ब्रैकेट्स इन द करैक्ट पोजिशन, जो ब्रैकेट के दते हुए ने ऑब्जेक्टिव उन्होंने अपने करैक्ट पोजिशन के लैके आना। सो नाल दी नाल अपने जो अपना ब्रैकेट तो बाहर है, जिमें अ ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्लैक एंड ओल्ड, इन्हों भी अपने नाल यूज़ करना ऑब्जेक्टिव दे। तो इस जो पिछे नाउन दिता हो अपने लास्ट के यूज़ करना, ठीक है। सब तो पहला आप करना जेड़े अपन ब्रैकेट तो पहला, ब्रैकेट तो बाहर ने जोड़े आप चीज़ा लिखनिया ने नाउन तो बिना, जिमें टेबल, रिंग, हाउस, ग्लव्स, अमेरिकन फिल्म, फेस, क्लाउड्स, डे, ड्रैस, ठीक है, इन ये बाद चो एंड चाहे, उस तो पहला जो लिखा हुआ पहला अपने वो लिखना, दैन अपने ब्रैकेट के जी दते हुए ने ऑब्जेक्टिव इन्हों करैक्ट फॉर्म के लैके आना, भी इन्हों की पोजिशन सही करनी, जिमें वुडन पहला लिखा हुआ फिर राउंड, पहला पर राउंड लावे फिर वुडन लावे फिर दैन लास्ट के जोड़े कि नाउन टेबल। सो इस ढंग के नाने करने ने। तो जिमें हूँ मैं तुम इस यूनिट में देख मैं कर रही हूँ वीडियो वॉच करके, दैन तुम अपनी प्रैक्टिस करनी अपनी ग्रामर बुक की। हाँ जी, फस्ट है अपना अ ब्यूटीफुल टेबल, वुडन राउंड, तो इन आप बनावे अ ब्यूटीफुल राउंड वुडन टेबल, भी जोड़ा यह वुडन का राउंड टेबल है, यह सुंदर है। एन अनयूजुअल रिंग, तो आऊगा गोल्ड, तो ये आऊगा आप बनावे एन अनयूजुअल गोल्ड रिंग। पहला मैं तुम्हें दसिया कि नाउन छड़ के पहला जोड़ा ब्रैकेट तो बाहर जोड़े दते हुए ने एडवर्ब अपने ऑब्जेक्टिव लै लेने, ऑब्जेक्टिव लैन तो बाद अपने जो ब्रैकेट के दिता हुआ उन्होंने लिखना, दैन जोड़ा ये नाउन आ फस्ट अपन स्टार्टिंग दिता हुआ लास्ट के लिखना जेडे कि वाले दते हुए लास्ट वाले, तो ये आजगा एन अनयूजुअल गोल्ड रिंग, यह है सैकेंड। अगे थर्ड, एन ओल्ड हाउस अपने लाना ब्यूटीफुल, आप लावे ये थर्ड के बन जूगा अ ब्यूटीफुल ओल्ड हाउस,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਅ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਔਰ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਓਲਡ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਆ ਥਰਡ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਫੋਰਥ, ਬਲੈਕ ਗਲਵਸ, ਲੈਦਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬਲੈਕ ਲੈਦਰ ਗਲਵਸ। ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲੈਦਰ ਗਲਵਸ, ਇਹ ਆ ਫੋਰਥ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਫਿਫਥ, ਫਿਫਥ ਐਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫਿਲਮ, ਤਾਂ ਓਲਡ ਆ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਐਨ ਓਲਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫਿਲਮ, ਐਨ ਓਲਡ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫਿਲਮ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫਿਫਥ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਕਸਥ, ਸਿਕਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅ ਲੌਂਗ ਫੇਸ ਥਿਨ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਫੇਸ ਆ ਬਟ ਉਹ ਪਤਲਾ, ਅ ਲੌਂਗ ਥਿਨ ਫੇਸ, ਅ ਲੌਂਗ ਥਿਨ ਫੇਸ, ਇਹ ਆ ਸਿਕਸਥ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸੈਵਨਥ, ਬਿਗ ਕਲਾਊਡਸ, ਬੱਦਲ ਆ ਵੱਡਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਲੈਕ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅ ਬਿਗ ਬਿਗ ਬਲੈਕ ਕਲਾਊਡ ਸੈਵਨਥ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਏਟ, ਅ ਸਨੀ ਡੇ, ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸਨੀ ਡੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਵਲੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅ ਸਨੀ ਲਵਲੀ ਡੇ ਜਾਂ ਅ ਲਵਲੀ ਸਨੀ ਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਲੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਅ ਲਵਲੀ ਅ ਲਵਲੀ ਸਨੀ ਡੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਨ ਅਗਲੀ ਡਰੈਸ, ਅਗਲੀ ਡਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਾਬ ਡਰੈਸ ਆ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੈਲੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਐਨ ਅਗਲੀ ਯੈਲੋ ਡਰੈਸ, ਵੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਅਗਲੀ ਆ, ਐਨ ਅਗਲੀ ਯੈਲੋ ਡਰੈਸ, ਯੈਲੋ ਡਰੈਸ ਐਲ ਵਾਈ, ਐਨ ਅਗਲੀ ਯੈਲੋ ਡਰੈਸ ਨੰਬਰ ਨਾਈਨ 'ਤੇ। ਨਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਟੈਨ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ ਟੈਨ ਅ ਵਾਈਡ ਅਵੈਨਿਊ, ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅ ਲੌਂਗ ਵਾਈਡ ਅਵੈਨਿਊ ਨੰਬਰ ਟੈਨ, ਅ ਲੌਂਗ ਵਾਈਡ ਅਵੈਨਿਊ ਨੰਬਰ 11 ਅ ਲਵਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਟਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਟਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅ ਲਵਲੀ ਲਿਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਅ ਲਵਲੀ ਲਿਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਨੰਬਰ 12 ਅ ਰੈੱਡ ਕਾਰ, ਓਲਡ ਲਿਟਲ, ਓਲਡ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਲਿਟਲ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 12 'ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅ ਲਿਟਲ ਓਲਡ ਰੈੱਡ ਕਾਰ, ਅ ਲਿਟਲ ਓਲਡ ਰੈੱਡ ਕਾਰ, ਨੰਬਰ 13 ਅ ਨਿਊ ਸਵੈਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਨਾਈਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅ ਨਾਈਸ ਨਿਊ ਗ੍ਰੀਨ ਸਵੈਟਰ, ਅ ਨਾਈਸ ਅ ਨਾਈਸ ਨਿਊ ਗ੍ਰੀਨ ਸਵੈਟਰ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਊਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ।
अ मैटल बॉक्स ब्लैक आ ते स्मॉल आ तो आप बनावांगे अ ब्लैक अ स्मॉल ब्लैक मैटल हाउस अ स्मॉल अ स्मॉल ब्लैक स्मॉल ब्लैक मेटल बॉक्स नंबर 14 ते नंबर 15 ते अ बिग कैट द फैट ते ब्लैक तो आप लगावांगे अ बिग फैट ब्लैक कैट अ बिग फैट ब्लैक कैट नंबर 16 लॉन्ग हेयर ब्लैक ते ब्यूटीफुल तो आप लगावांगे ब्यूटीफुल ते लवली अगर नहीं स्टार्टिंग दे विच दित्ता होया अपन नूं ब्रैकेट दे विच दित्ता होया तो उन्हूं अपने पहला लिखना ओके लवली ते ब्यूटीफुल वर्ड अगर आपां ब्रैकेट के दते हुए ने स्टार्टिंग दे विच नहीं दते हुए दैन आपां स्टार्टिंग दे विच यूज करांगे तो अपना बन जूगा ब्यूटीफुल लोंग ब्लैक हेयर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोंग ब्लैक हेयर यह है नंबर 16 नंबर 17 एन ओल्ड पेंटिंग इंटरेस्टिंग फ्रेंच तो आप लगावेंगे एन इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग भी पहले लगेगा एन इंटरेस्टिंग ओल्ड फ्रेंच पेंटिंग एन इंटरेस्टिंग एन इंटरेस्टिंग ओल्ड फ्रेंच पेंटिंग नेक्स्ट है नंबर 18 एन इनॉर्मस अमरेला बहुत ज़्यादा ठीक है रेड ते येलो तो आप लगाएंगे एन इनॉर्मस रेड एंड येलो अम्ब्रेला नंबर 18 से नेक्स्ट देखते आप अगे कंप्लीट ई सेंटेंस विद द वर्ब इन द करैक्ट फॉर्म के अपने फिल करने ने एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स बॉक्स के अपने एडजेक्टिव लेने ने सो वर्ब दिती हुई है इन्होंने वर्ब अपने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखा अगर अपना सेंटेंस पास्ट के दैन आप पास्ट बनावे इनू वर्ब की जी फस्ट फॉर्म दिती हुई है अगर प्रेजेंट के इनू आप सेम रखा फस्ट नैन आप इधरों जे कि इधर वाली साइड तो अपने एडजेक्टिव लेने सो हैलन डैश दिस मॉर्निंग डू यू नो वट वॉज रोंग कहना अज मॉर्निंग अपसैट दिख रही थी कहना कि तुसी जान दो की हो गया सी मतलब कि पहला हो चुके उन्हें मॉर्निंग चो देख चुकया तो हो चुकी गल है दिस मॉर्निंग भी पास्ट दे विच जा रहे क्योंकि ईवनिंग टाइम गल कर रहे होंगे ठीक है भी ता ही पूछ रहे कहना सवेरे की हो गया सी दैन यह सीम्ड आ गया सीम्ड सीम्ड मतलब कि अपसैट लग रही थी तो अपसैट इधरों ऑब्जेक्टिव अपसैट नैक्सट है आई कांट ईट दिस कहना मैं इसमें नहीं खा सकता आई हैव जस्ट ट्राइड इट कहना सिर्फ मैं कोशिश कर सकता एंड इट टेस्ट अ फुल कैन नॉट अ प्रेजेंट ता करके आप टेस्ट इधरों वर्ब चकांगे तो नाल ऐसे लग जू क्योंकि जो सिंगुलर वर्ब अपने प्रेजेंट इनडेफिनेट के आप जो वर्ब लगाने होंगे जो अपना सेंटेंस पॉजिटिव होंगे दैन उन्हें वर्ब की फस्ट फॉर्म एस लग जाती है
एस और ई एस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अपने जिहड़ा भी हुंदा हुण इहदे नाल एस लग जूगी टेस्टस फूड। इसी सैकेंड अगे थर्ड आई वॉज नॉट वेरी वैल जस्टडे कहना मैं कल सही नहीं सी बट आई डैश बट कहना अज मैं ठीक हाँ कल नहीं सी अज मैं ठीक हाँ ये तो प्रेजेंट हो गया बट आई फील हूँ कहना मैं फाइन वधिया महसूस कर रहा बट आई फील फाइन चंगा महसूस कर रहा टूडे थ्री ते आई नाल वर्ब की फस्ट फॉर्म लगती होंगी वो एस जे ई एस नहीं लगता होंगे ओनली वर्ब की फस्ट फॉर्म। अगे है फोर्थ दे विच वट ब्यूटीफुल फ्लावर्स कहना किन्ने सोहने फ्लावर्स ने दे डैश टू इन्हां दी आपां कहांगे भी इन्हां दी इत्थे वर्ब दे विचों स्मैल आऊगा भी स्मैल भी इन्हां दी बहुत अच्छी है ठीक है तां हुण दी गल कर रहे कि फ्लावर वधिया ने तां इहदे विच आजूगा स्मैल खुशबू भी नाइस है इन्हां दी नाइस टू। अगे फिफ्थ यू डैश हैव यू बीन आउट इन द रेन कहना तुसी गिले कुछ लग रहे हो कहना कि तुसी बाहर मीह दे विच गए सी मतलब कि हुण दी उह पुछ रहे आ कि तुसी बाहर दे विच गए सी मतलब कि हुण तुसी कुछ इत्थे अपने वर्ब हैगी आ इहदे विचों लुक मतलब कि दिख रहे हो इधरों अपना हैगा वैट मतलब कि गिले दिख रहे हो कि तुसी बाहर मीह दे विच गए सी तो ये हुण दी उह गल चल रही है प्रेजेंट दी उह चल रही है दैन आपां लगावांगे यू लुक वैट वैट भी तुसी गिले दिख रहे हो। नंबर सिक्स जेम्स वॉज टैलिंग मी अबाउट हिज न्यू जॉब कहना जेम्स ने मैनू दस्या सी अपनी नवी जॉब बारे इट डैश मच बैटर दैन हिज ओल्ड जॉब कहिंदा इह हुण वाली जॉब मच बैटर आ पहलां वाली दे नालों तां हुण इहदे विच अपना रह गया साउंड इधरों रह गया अपना जिहड़े कि इंट्रस्टिंग तां आपां इंट्रस्टिंग साउंड नूं तुसीं पास्ट दे विच ला के गल कर रहे भी पहलां वाली जॉब है ना हुण वाली जॉब वधिया पहलां वाली उन्हें अपनी नवी जॉब बारे पहलां दस चुके उन्हूं तां इहनूं वर्ब नूं सैकेंड मतलब कि पास्ट च भी लैके जा सकदे हो तो प्रेजेंट इनडेफिनेट च भी रख सकदे हो वर्ब दी फस्ट फॉर्म च भी रख सकदे हो क्योंकि वह हुण दस रहे कि यह जॉब पहलां वाली जॉब दे नालों बैटर है मतलब कि हजे उहदी जॉब चल रही है कोई उसका एंडिंग नहीं होया होया उहदे अकॉर्डिंग आपां फस्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर आपां लगाईए कि वॉज पहलां वाली गल दस रहे भी उहदे नाल हो चुकी उहदी गल फिर गल कर रहे हैं फिर आप वर्ब की सैकंड फॉर्म लगा सकते हैं। सो जिम्मे तो ठीक लगा तुम लगा सकते हो दोनों जने इस आंसर ठीक बनते हैं साउंड ऐसे लगेगी क्योंकि इट लग्या होया साउंडस या साउंडेंट ना लगेगा इंट्रस्टिंग इन दोनों च एक दोनों आंसर ठीक बनता है। सो इसी सिक्स्थ दैन आप नैक्सट देखते हैं पुट इन द करैक्ट वर्ब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ ये भी अपने उही देखना अडवर्ब जो अपन दसया जा रहा कोई एक्शन किमें हो रहा है कोई एक्टिविटी किमें हो रही है तो आप लगावे अडवर्ब दैन जे अपन वैसे कोई खासियत दसी हुई है कुछ विशेषता दसी हुई है दैन आप उसके कोई गुण अवगुण कुछ भी दसिया होया दैन आप लगावे अडजैक्टिव तो ये दिस टी टेस्ट अ बिट डैश कहना इस टी का टेस्ट किमें आ बिट स्ट्रेंज कहना कुछ अलग आ स्ट्रेंज आ गया आई ऑलवेज फील डैश वैन द सन इज शाइनिंग कहना मैं हैप्पी महसूस करता जो सूरज आ जोड़े कि चमकदा आई फील मतलब कि अपने पहले ही हूँ ही तुम दस अपने इन्होंने कि अपने अडजैक्टिव कदों कदों लाना अडजैक्टिव जो लुक फील साउंड टेस्ट स्मैल्स इन्हों पर अपने की लगाना अडजैक्टिव से लगाना अपने इन्होंने अपने की लगाना अडजैक्टिव भी की फील कर रहा कोई ठीक है कहना मैं खुशी महसूस फील करदा जो मैं जेडे कि वैन द सन इज शाइनिंग जो सूरज चमकदा तो ये आजूगा हैप्पी ना कि यह दस आप भी कि एक्शन किमें हो रहे हैं जो ये दसा जाए कि कोई एक्टिविटीज एक्शन किमें हो रहा है फिर आप अडवर्ब लगावे एल वाई वाला। थर्ड द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन हुण बच्चे खेड रहे हैं खुशी खुशी खेड रहे हैं इत्थे अपना यह जिहड़ा कि अडवर्ब बन जूगा आपने दसता कि उन्हों का जिहड़ा एक्शन आ वह खुश हो के खेड रहे हैं हैप्पी हो के खेड रहे हैं बच्चे दैन इत्थे अपना आजूगा हैप्पली अडवर्ब बन जूगा क्योंकि उन्हों का खेडना एक किरिया हो गई एक्टिविटी हो गई एक एक्शन हो गया एक्शन आपां दसता भी कि कोई एक्शन किमें हो रहा
जो ये दसा जाए कोई एक्शन एक्टिविटी किमें हो रही है दैन आप अडवर्ब लगा हूँ इतने आप दस दें कि खुशी खुशी खेड रहे हैं गार्डन के हैप्पली थर्ड के नैक्सट आ फोर्थ द मैन बीकेम डैश वैन द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट आस्कड हिम टू लीव तो कहना वो वोयलेंट ज वोयलेंटली होया हो गया जो कहना मैनेजर ने उन्होंने रेस्टोरेंट तो बाहर जाने लिए कहा तो हूँ इतने भी कोई एक्शन नहीं दसा जा रहा भी वो उच्ची बोलिया ज हौली बोलिया ये नहीं अपन दसाया जा रहा है ना वोयलेंट होया दैन ये अडजेक्टिव आऊगा नॉट ओ अडवर्ब नहीं आना ओनली अडजेक्टिव वोयलेंट फोर्थ दे विच फोर्थ अगे है फिफ्थ यू लुक आर यू ऑल राइट कहना तू जिहड़ा कि टैरीबल जां टैरीबली मतलब कि तू कुछ डरिया होया दिखाई दे रहे हैं कि कहना कुछ वापर गया आर यू ऑल राइट की सारा कुछ ठीक है तो ये भी अपन यही दसाया जा रहा है क्योंकि आप वैसे भी लुक लुक वर्ड जार करके आए है ना भी लुक के नाल अपने अडजेक्टिव लाना तो टैरीबल वो वर्ड भी याद रखने ने भी किन्ने किन्ने नाल अपने अडजेक्टिव लगाना अगे देर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग अ जॉब इफ यू डू नॉट डू इट डैश कहना यदा मत कोई मतलब नहीं बनता जे तुसी अपना वर्क चंगे नाल ढंग दे नाल सही ढंग दे नाल नहीं कर रहे तो कहना जॉब का कोई मतलब नहीं बनता तो ये प्रॉपर जां प्रॉपरली हुण इस दे विच अपना जिहड़ा कि आऊगा प्रॉपरली एल वाई क्यों क्योंकि जॉब करन दा ढंग दे विच दस्या जा रहा है कि तुसी प्रॉपरली नहीं कर रहे उहदे विच उहदा जॉब ते हुण आपां जदों कम करदे तां एक्शन होऊगा आपां कम करांगे आपां सही कर रहे हां जां नहीं कर रहे किस वे दे नाल कर रहे हां प्रॉपरली नहीं कर रहे है ना मतलब कि सही वे नाल नहीं कर रहे आपां दसदा कि एक्शन वो नहीं कर रहा सही ढंग दे नाल जदों इह दस्या जावे कोई एक्शन किवें हो रहे आ किवें कीता जा रहा तां आपां अडवर्ब लगाउणा इहदे विच आजूगा एल वाई अडवर्ब प्रॉपरली नंबर सिक्स दे विच प्रॉपरली नैक्सट है सैवंथ द सूप टेस्ट डैश सूप का टेस्ट कहना गुड है ठीक है गुड तो वैल वाली नैक्सट अपनी हैगी नैक्सट उत्तों आप सारा डिटेल दे विच करांगे नंबर एट हरी अप यू आर ऑलवेज सो डैश कहना जल्दी करो तुसी हमेशा ही स्लो तुरदे हो यू आर ऑलवेज सो स्लो नॉट अ स्लोली क्योंकि इतने उन्हें वॉक नहीं लिखा हुआ भी तुसी वॉक करते हो स्लोली या रन करते हो दौड़ते हो स्लोली या कोई वर्क करते हो नहीं दस्या हुआ वैसे दसी हुई है गल ठीक है तो स्लो नंबर एट की दैन अगे है अपना ये इंपॉर्टेंट सी फस्ट और थर्ड ये इंपॉर्टेंट ने मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट द फॉलोइंग इन अनदर वे यूजिंग द फस्ट द नैक्सट द लास्ट इन अपने यूज करना द फस्ट डे जो इन्हों दत्ता हुए अपने इधर पुट करना दैन उन्होंने करैक्ट करना अपने द फस्ट डे एंड द सैकेंड डे ऑफ द कोर्स तो आप लगावेंगे द फस्ट टू डेज़ ऑफ द कोर्स भी दो पहले दो दिन क्योंकि फस्ट और सैकेंड आप सीधा टू डेज़ लिख सकते हैं नैक्सट वीकेंड द नैक्सट आफ द वीक आफ्टर तो आप सीधा ही कहेंगे द नैक्सट टू वीक्स द नैक्सट टू वीक्स जैसटडे एंड द डे बिफोर जैसटडे कहना जैसटडे कल वाला तो इस तो पहला वाला कल हुण इहनू भी आपां की कह सकते हैं तो इहनू आपां लिख सकते हैं द लास्ट टू डेज़ द लास्ट टू डेज़ क्योंकि कल जो बीत चुके उस तो पहला वाला कल तो बीत चुके दो कल हो गए तो इहनू आपां लिख सकते हैं द लास्ट टू डेज़ द लास्ट टू डेज़ थर्ड दे अगे है अपना फोर्थ द फस्ट वीक एंड द सैकेंड वीक ऑफ मई तो पहला तो उस तो अगला हफ्ता मई का तो आप इन नैक्सट जेड़े कि द फस्ट टू वीक्स लिख सकते हैं द फस्ट टू वीक्स द फस्ट टू वीक्स ऑफ मई नंबर फोर्थ अगे है फिफ्थ टमोरो एंड ए फ्यू डेज आफ्टर डैट आने वाला कल तो उस तो बाद वाले ठीक है कुछ दिन तो इन्हों आप लिख सकते हैं द नैक्सट फ्यू डेज़ द नैक्सट क्योंकि आने वाले दिल आप नैक्सट करा फिफ्थ के द नैक्सट फ्यू डेज़
अगे है सिक्सथ क्वेश्चन वन सैकेंड एंड थर्ड इन द एग्जाम तो आप लिखा द फस्ट थ्री क्वेश्चन द फस्ट थ्री क्वेश्चन इन द एग्जाम नैक्सट ईयर एंड द नैक्सट द ईयर आफ्टर नैक्सट ईयर द ईयर आफ्टर तो इन्हों आप लिख सकते द नैक्सट टू ईयरस क्योंकि आने वाले द नैक्सट टू ईयरस नंबर एट द लास्ट डे ऑफ आवर हॉलीडे एंड द टू डेज बिफोर दैट कहना लास्ट डे तो उन्हों तो दो दिन पहला तो आप लिख सकते द लास्ट थ्री डेज ऑफ आवर हॉलीडे द लास्ट द लास्ट थ्री डेज ऑफ आवर हॉलीडे सो एसी 99 यूनिट थैंक्स